एजेंसीज होती हैं ब्लड प्रेशर के जो हाइपर होते हैं, तो उनको यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें जाने में बहुत दुश्वारी होती थी, टाइम काफ़ी सारा लगता था। अभी ये मोटर बाइक सर्विस है तो इसके ज़रिए हम विद इन 3-4 मिनट जो है उनके पास होते हैं, उनको जाके चेक करते हैं, अगर उनका बीपी चेक करने बीपी हाई हो तो उनको वहाँ पे ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट एड, उनमें हम उनको इंजेक्शन लगा देते हैं जो भी हो उनको कंट्रोल करके, उसके बाद हम देखते हैं अगर उनको शिफ्ट करने हैं तो फिर हम वायरलेस पे ला देते हैं अपने कंट्रोल को कि हमें एम्बुलेंस चाहिए और मरीज़ को शिफ्ट करना है। एक यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था कुचर हिसालदार में, तो वो वहाँ पे एम्बुलेंसेस अंदर नहीं जा सकती थी, दो रास्ते थे, एक गुवाहाटी की तरफ से एक जो है किसफवानी की तरफ से, तो किसफवानी की तरफ से भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती थी और गुवाहाटी की तरफ से तो हमें आना पड़ता था, तो वो या काफ़ी सारा लंबा है 5-6 किलोमीटर मार के तो हमें आना पड़ता था, या रामदास की तरफ से आना था तो वो काफ़ी सारा लंबा रास्ता था। अभी ये है कि हमें बाइक पे तकरीबन विद इन 3-4 मिनट में हम रिस्पांस कर देते हैं। ये हमारे पास मोटर बाइक सर्विस में जो है सबसे पहले ऑक्सीजन, जो पोर्टेबल ऑक्सीजन है ये हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास जो है तो थर्मन गन है, ग्लूकोमीटर है, ये बीपी सेट है, पल्स ऑक्सीमीटर है और काफ़ी सारी मेडिसिन जो एक इंसानी जान को बचाने में मददगार साबित हो। जब हमारे पास मोटर बाइक सर्विस नहीं थी तो इस तरह से हुए हमारे साथ, मीना बाज़ार में एक इमरजेंसी आई थी जो कि बीपी का मसला था, उनका बीपी हाई हो चुका था, तो हमें मरीज़ के पास जाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे उनके पास, उनके घर तक पहुंचने में, तो अगर हमारे पास बाइक होता उस टाइम तो उनको हम वहाँ पर तकरीबन 10-15 मिनट पहले उनको वो कर देते, ट्रीट कर देते और स्टेबल कर देते। तो अभी ये शुरू हुआ है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस तरह के वाकयात ना हो। हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर उनके पीछे पैदल घर गए, वहाँ से उनको रिसीव करके स्पाइन बोर्ड पे फिर एम्बुलेंस तक लाने में काफ़ी सारी दुश्वारी आई है रास्ते में, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। ये तसल्ली तो बता नहीं सकते, जो फील होता है तो वो तो लाजमी बात है, इंसान का दिल खुश हो जाता है। इस तरह से हमारे साथ हुआ था एक दफ़ा कक्षाल में, हम गए तो वो लोगों ने कहा कि यार ये डेड हो चुके हैं आप बस छोड़ दें, खसूसन उनके घर वाले जो थे वो कहते हैं नहीं करें आप, इनको हाथ भी नहीं लगाएं, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि यार ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, आप हमें हमारा काम करने दें, हम कोशिश करेंगे, बाकी बचाने वाला मारने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। तो हमने उनको फ़र्स्ट एड किया, उनको CPR किया, उसके बाद उनको ऑक्सीजन लगाया, तो अल्लाह के करम से वो जो है तो स्टेबल हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से कोई वाकया पेश आ जाए तो।